नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। दोस्तों आप सभी को याद ही होगा कि 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाया गया था और 23 मार्च से पूरा देश लॉकडाउन में जा चुका है। हाल ही में हमारी गवर्नमेंट ने लॉकडाउन की अवधि को 30 जून तक बढ़ा दिया है, जहां पूरा अप्रैल स्ट्रिक्ट लॉकडाउन में गुजर गया, जिस वजह से पूरे भारत में किसी भी कंपनी की एक भी गाड़ी नहीं बिक पाई थी। लेकिन मई के महीने में गवर्नमेंट ने कई सेक्टर्स को और कंपनीज को लॉकडाउन से कंडीशनल छूट दी थी, जिसकी वजह से शराब की दुकानें खुल गई थी, कार्स के शोरूम ओपन हो गए थे, जिसकी वजह से कार डीलर्स गाड़ियों की डिलीवरी दे पाए थे। मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी कई बार ये बात कह चुका हूँ कि साल 2019 वैसे ही इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बुरा गया है, जिसका असर हमें इस साल के शुरुआती महीनों में सेल्स के फिगर्स में देखने को मिल ही रहा था कि अचानक आए इस कोरोना ने पूरी दुनिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को तहस नहस कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कार्स मई 2020 के बारे में जानेंगे। ये लिस्ट आपको बहुत ही बड़ा झटका देने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खलबली मची पड़ी है। कई रिकॉर्ड ब्रेकिंग बेस्ट सेलिंग कारों का इस लिस्ट में अता पता नहीं है, कई गाड़ियां इस लिस्ट से बाहर हो गई हैं और कुछ नई गाड़ियां इसमें शामिल हो गई हैं, जो कि एक नए ट्रेंड की ओर इशारा कर रही है। चलिए एक पहला झटका मैं आपको अभी दे देता हूँ। हमेशा टॉप 10 की लिस्ट में शामिल होने वाली ह्यूंडई की वेन्यू, मारुति की स्विफ्ट, मारुति की वैगन आर और मारुति की विटारा ब्रेजा जैसी गाड़ियाँ इस लिस्ट से बाहर हो गई हैं। तो चलिए जानते हैं मई के महीने में बिकने वाली टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कार्स के बारे में आज की इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। इस लिस्ट में पूरे भारत में 10वें पायदान पर आई है दोस्तों महिंद्रा की XUV 300। मई के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की केवल 1257 यूनिट्स बिकी हैं, वहीं मार्च के महीने में ये गाड़ी इस लिस्ट में शामिल ही नहीं थी। इस महीने में इस लिस्ट में ये एक फ्रेश एंट्री है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 8,30,000 रुपये से शुरू होकर 12,69,000 रुपये तक मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में 9वें पायदान पर आई है टाटा की अल्ट्रोज। मई के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की केवल 1,379 यूनिट्स बिकी हैं, वहीं मार्च के महीने में ये गाड़ी भी इस लिस्ट में शामिल नहीं थी। ये भी इस महीने एक फ्रेश एंट्री है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 5,29,000 रुपये से शुरू होकर 9,34,000 रुपये तक मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में 8वें पायदान पर आई है दोस्तों मारुति की ऑल्टो। मई के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की मात्र 1,506 यूनिट्स बिकी हैं, वहीं मार्च के महीने में ये गाड़ी 10,829 यूनिट बेचकर दूसरे पायदान पर थी, लेकिन इस महीने सीधे 6 पोजीशन नीचे खिसक कर 8वें पायदान पर आ गई है। यहां पर इसे देख के आप में से कई लोगों को झटका लग सकता है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 2,99,800 रुपये से शुरू होकर 4,41,300 रुपये तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में 7वें पायदान पर आई है दोस्तों मारुति की बलेनो। मई के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की केवल 1,587 यूनिट्स ही बिकी हैं, वहीं मार्च के महीने में ये गाड़ी 11,406 यूनिट बेचकर नंबर 1 के पायदान पर थी, लेकिन इस महीने सीधे 6 पोजीशन नीचे खिसक कर ये गाड़ी 7वें पायदान पर आ गई है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 5,70,602 रुपये से शुरू होकर 9,03,112 रुपये तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में 6ठे पायदान पर आई है दोस्तों किया की सेल्टॉस। मई के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की मात्र 1,611 यूनिट्स बिकी हैं, वहीं मार्च के महीने में ये गाड़ी 7,466 यूनिट बेचकर 5वें पायदान पर थी, लेकिन इस महीने एक पोजीशन नीचे खिसक कर ये 6ठे पायदान पर आ गई है। आप सभी को मालूम होगा कि हाल ही में सेल्टॉस का 2020 अपडेट आया है और इसमें लगभग 11 से 12 नए फीचर्स भी ऐड हो गए हैं। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 9,89,000 रुपये से शुरू होकर 16,39,000 रुपये तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में 5वें पायदान पर आई है दोस्तों मारुति की इको। मई के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की केवल 1,617 यूनिट्स बिकी हैं, वहीं मार्च के महीने में ये गाड़ी 5,966 यूनिट बेचकर
आठवें पायदान पर थी, लेकिन इस महीने तीन पोजीशन ऊपर उठकर ये गाड़ी पांचवें पायदान पर आ गई है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 3,91,000 रुपये से शुरू होकर 6,94,000 रुपये तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में चौथे पायदान पर आई है दोस्तों महिंद्रा की बोलेरो। मई के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की केवल 1,715 यूनिट्स बिकी हैं। वहीं मार्च के महीने में ये गाड़ी इस लिस्ट में शामिल ही नहीं थी, ये भी इस महीने एक फ्रेश एंट्री है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 7,77,000 रुपये से शुरू होकर 8,78,169 रुपये तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में तीसरे पायदान पर आई है दोस्तों मारुति की डिज़ायर। मई के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की केवल 2,215 यूनिट्स बिकी हैं। वहीं मार्च के महीने में ये गाड़ी 5,476 यूनिट बेचकर 10वें पायदान पर थी, लेकिन इस महीने सीधे 7 पोजीशन ऊपर उठकर ये गाड़ी तीसरे पायदान पर आ गई है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 5,89,000 रुपये से शुरू होकर 8,80,500 रुपये तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में दूसरे पायदान पर आई है दोस्तों मारुति की अर्टिगा। मई के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की केवल 2,353 यूनिट्स बिकी हैं। वहीं मार्च के महीने में ये गाड़ी इस लिस्ट में शामिल ही नहीं थी, इस महीने ये गाड़ी भी इस लिस्ट में एक फ्रेश एंट्री है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 7,59,000 रुपीज़ से शुरू होकर 10,13,000 रुपीज़ तक की मिल जाती है। अब आगे बढ़ते वीडियो में और बात कर लेते हैं इस महीने की इस लिस्ट में पूरे भारत में नंबर वन के पायदान पर आने वाली गाड़ी जो कि है ह्यूंडई की क्रेटा। मई के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की केवल 3,212 यूनिट्स बिकी हैं। वहीं मार्च के महीने में ये गाड़ी 6,706 यूनिट बेचकर छठे पायदान पर थी, लेकिन इस महीने सीधे सीधे 5 पोजीशन ऊपर उठकर ये गाड़ी नंबर वन के पायदान पर आ गई है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 9,99,000 रुपये से शुरू होकर 17,20,000 रुपये तक की मिल जाती है। तो कुल मिलाकर ये थी वो 10 गाड़ियां जो मई के महीने में टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कार्स की लिस्ट में शामिल हुई हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह जब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।